हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सीरीज में देखने वाले हैं पादप कोशिका। कल हमने एक वीडियो देखा था इसका पार्ट वन, जिसमें हमने देखा था कोशिका के बारे में, उसके सिद्धांत, संरचना और उसके कार्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पादप कोशिका से रिलेटेड उसी तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी है क्वेश्चंस के थ्रू आप देखिए, समझिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था कि कोशिका जो है वो सभी जीवों में जीवन का भौतिक इकाई मानी जाती है, और कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएँ जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। तो ये एक लाइन जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम पादप कोशिका से रिलेटेड, क्योंकि पादप कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये प्रश्न सबसे पहले आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न आता है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद, बताइए कि निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है कि मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है, तो जल। सही आंसर होगा जल की मात्रा जो है संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं में संचालन को परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में पढ़ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएँ पाई जाती है, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। अगर ज़्यादातर सजीव कोशिकाएं होती तब उन्हें ज़्यादातर पानी की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएँ पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता, तो ये भी एक कारण बन जाता है उन्हें कम ऊर्जा की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो इस वजह से इनमें भी कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सेलुलोज के साथ साथ और भी लगे तो पेक्टिन ध्यान रखिएगा, सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती है जिनके मध्य लैमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। तो यहाँ से बस दो चीज़ ध्यान में रखना है कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, और ये भी याद रखें कि कोशिका भित्ति में जो दो परतें होती है वो जिनके मध्य क्या होता है, कौन सा नामक दीवाल होता है, तो लैमेला नामक दीवाल होती है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन हो जो कि आपका कथन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो केंद्रक के अतिरिक्त भी डीएनए जो होते हैं वो हम देखने को मिलता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ए सही होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिनमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है ये जो क्रिया होती है, यानी श्वसन जो क्रिया होती है पादप कोशिका में, श्वसन क्रिया कहाँ पर होता है। तुम जानते हैं कि ये जो श्वसन क्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखेंगे। अपशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, अपशिष्ट उत्पादों को
पादप कोशिका के अंदर कहाँ पर संचित किया जाता है? तो रस धानियों में संचित किया जाता है, रस धानियों में बी सही होगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानी जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिसिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थानों को घेर सकती है। तो ये हम हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऊपर वाला जो लाइन है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि पर्णहरित, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, यानी जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, वो कहाँ पर मौजूद होता है? तो ये हरित लवक में देखने को मिलता है। हरित लवक में ए सही आंसर है। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे कि हरित लवक पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, यानी जंतु में नहीं होता है, केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलता है। कौन सा कोशिकांग? कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में देखने को मिलता है? तो लवक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे हम छोटा सा एक पॉइंट दिया गया, पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लवक केवल पादपों में पाया जाता है। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला गोल या फिर अंडाकार रचना होती है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। इन तीनों के भी अलग अलग कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। देखिए ऊर्जा घर कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, यानी पौधों में भी और जंतु कोशिका में भी देखने को मिलता है, लेकिन लवक के बारे में बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ वो पादप में ही मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है आप देख पाएंगे थोड़ा सा पेशेंस जो कि ये बड़ा है। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या फिर जंतु कोशिका को एक अत्यधिक तंतु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या फिर कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो कौन सा भाग जो है वो सहन करता है? तो चलिए ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। तो वो भाग हो जाता है जो कि कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के वजह से वो सहन कर पाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है वो कौन है? तो अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक जो है ये संग्रह करता है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग यानी लवक प्लास्टिड के तीन प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक तीन प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन और सेल वसा कणिकाओं का संग्रह करता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण यही करता है ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक इसे याद रखिएगा, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से। कभी कभी यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लवक है वो पौधों के जड़ों में पाया जाता है या फिर भोजन का संग्रह करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अवर्णी लवक है वो जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वो रंगहीन लवक है और ये सूर्य के प्रकाश से दूर, तो दूर का मतलब पौधों की जड़ों में देखने को मिलता है, पौधे के अंधेरे हिस्से में, पार्क साइड में पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो एक पिक्चर दिखाया गया कि चित्र में दिखाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है, यानी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जो पिक्चर है वो पत्तियों और पुरोहों को दर्शाता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वायुतक कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, वायुतक कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं ये हमें बताना है। तो चलिए ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। तो देखिए वायुतक कोशिकाएँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जलकुंभी में। बी करेक्ट आंसर होगा, जलकुंभी वायुतक कोशिकाएँ जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिकाएँ अवकाश
गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी होती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता है। उन्हें वायुतक कोशिका कहा जाता है। इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहते हैं। तो बात को समझ में आ गया आप क्यों ये पानी पर तैरते हैं, वायुतक कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि रंगहीन लवक क्या कहलाता है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा कि रंगहीन जो लवक होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं और उसका कार्य क्या होता है। तो गेस कर सकते हैं आप आसानी से कि ऑप्शन ए होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ये पौधे के अंधेरे हिस्से में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे और भी इसके बारे में डिटेल में लिखा गया, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड जो है कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। एपिकोप्लास्ट की बात करें तो आवश्यक चयापचय कार्यों वाले एक प्लास्टिड है जो कि द्वितीय एंडो सिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों के कैरोटीनाइड वर्ण के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो कि प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य भी आप समझ सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होता है वो कहाँ मौजूद होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अवर्धल अवर अंतर्वल में स्थित होता है, यानी इनफोल्डिंग में जो स्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया था कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियाँ होती है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और मैंने आपको ये भी बोला कि अगर ऑप्शन में सेलुलोज के अलावा भी कुछ पेक्टिन दिया गया, सेलुलोज के साथ मिलाकर के कुछ कुछ दिया गया, तो वो दोनों देखिएगा, सेलुलोज और पेक्टिन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज अलग है, तो सही आंसर सी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न बनाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये भी हमने ऊपर में देखा था, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, यानी जो कोशिका भित्ति है कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, यानी जो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, उसे सेलुलोज कहते हैं। तो जस्ट वही मीनिंग तो वही हुआ कि किसका बना होता है, कि उसका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और पौधे में बात कर रहे हैं तो पौधे में सेलुलोज का, जबकि अगर कवकों में पूछा जाता है तो कवकों में काइटिन की बनी होती है। इसके बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो कोशिकांग जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो हमने देखा था कि लवक के जो तीन प्रकार है उसमें से एक है आपका हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, तो ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। कह रहा है कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये तो आपको पता ही है कि हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल के कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं, इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कोशिका का किचन घर के नाम से, यानी किचन हाउस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। अभी जस्ट मैं आपको बताने ही वाला था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही सकते हैं आप कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी मैग्नीशियम करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये शायद दूसरा बार प्रश्न रिपीट हो रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है, सी करेक्ट है।
देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से लिखा गया लवक के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से एक बार में मिल जाएगा। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी लवक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि हमने ऊपर में देखा था। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम तत्व होता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है, इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन यानी लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के जो हरे हरे से लाल रंग में परिवर्तित जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका होता है कि ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो कि मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य संग्रह को ये उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे जानकारी मिल गई। बस इतना याद रखिए, आपका ये लवक से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, बताइए कौन। एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे है कि फलों और सब्जियों के रंगों का जो निर्धारण होता है एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन, जैसे बाकी ऑप्शन दिया गया था, हीमोसाइनिन की बात करें तो रक्त का नीला, रक्त को नीला बनाता है जिसके लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियाँ, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग का तो रक्त बेसिकली आप जानते हैं कि लाल कलर का है, लेकिन जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, मकड़ी हो गई, केकड़े हो गए, बिच्छू हो गए, इनके रंग जो है नीला होता है और इसका कारण क्या है, हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि लौह के बजाय, हम लोग के रक्त में लोहा की मात्रा होती है लेकिन उनमें क्या होता है कि तांबा मौजूद होता है जिस कारण से नीला हो जाता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन तो आपको जानते हैं कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये रक्त को लाल बनाता है तथा सभी कशेरुकों तथा अन्य कुछ अकशेरुकों में पाया जाता है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं हीमोइरेथ्रिन, ठीक है, हीमोइरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी बनाता है। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण रक्त का रंग गुलाबी होते हैं तो वहाँ पे फिर हीमोइरेथ्रिन आपको टिक करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल जो है वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बी होगा एंथोसाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो देखिए लवक के बारे में हमने पढ़ा, लवक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता है, पशु कोशिका में नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट लवक का ही भाग है इसलिए यहाँ पे अलग करके लिखा गया, क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जब आप अच्छे से एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको क्लियर रहेगा। जैसे अगर आप लवक के अंदर के पार्ट को नहीं समझते तो फिर आपको ये क्लियर नहीं हो पाता, आप तो सिर्फ लवक याद रखे थे। लवक के तीन भाग होते हैं, अगर आपने वो जाना तब आपने इसको क्लियर कर पाया कि क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का लवक है और सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है ना कि जंतु कोशिका में, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ना समझना भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो फिर से मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको हम आगे इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, और कोई अगर डाउट हो या फिर कोई अगर सजेशन आप देना चाहें तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ग्रुप्स वगैरह में। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।